मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। जीसस मिट्स यूट्यूब फैमिलीज, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में मिले हुए सभी परिवार, आप सभी लोगों को प्रेम के साथ मैं बधाई देता हूं। हम एक दूसरे से मिल तो नहीं पाते, फिर भी ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा हर दिन हम मिल पाते हैं। ये मुझे बहुत ही आनंद देता है। परमेश्वर की स्तुति हो। आज का दिन बहुत ही जय का दिन है, अच्छा दिन है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपसे जो बात करने वाला है वो वचन ऐसा वचन है। तैयार रहिए, मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से इसे सुनिए। तुरंत बाइबल खोलकर देखिए, परमेश्वर के द्वारा आप आशीष पाओगे। वचन पर चलते हैं। यशया भविष्यता का पुस्तक 59वां अध्याय और 19वां वचन। जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। महानद की तरह शत्रु, आप अच्छी तरह जानते होंगे, जब बाढ़ आती है, वेदर रिपोर्ट कहते हैं ना, इतने बजे हवा बहेगी, तूफान आएगा। कोई महानद को, बाढ़ को ऐसा नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि इतने बजे ये बाढ़ जो इस गांव पर आक्रमण करेगा। अचानक महानद आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। परमेश्वर कहता है शैतान भी ऐसा ही आएगा। अचानक बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी तकलीफें, बहुत बड़ी बीमारियां, अचानक जो है तुम्हारी शांति को खराब करेगा। पर वचन में कहा गया है, देखिए, जब वह आएगा तो यहोवा का आत्मा क्या छुप रहेगा? आपके अंदर जो वास करता है परमेश्वर की आत्मा, उनके विरोध में झंडा खड़ा करेगा। जब झंडा कब चढ़ाते हैं? जय जब मिलता है तब झंडा खड़ा करता है। झंडा जो है जय का चिन्ह है। तो आज इस समय, इस क्षण में परमेश्वर की आत्मा के काम में एक काम है, शत्रु के विरोध में झंडा खड़ा करेगा। कोई भी शत्रु तुम्हें दुख नहीं कर सकता। जो शत्रु तुम्हारे, शैतान जो तुम्हारे परिवार को तोड़ता है, जो शैतान की क्रिया है जो तुम्हारे काम को खराब करता है, धैर्य से रहिए। उसके सभी क्रियाओं को नाश करने वाला सामर्थ हमारे अंदर है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आत्मा में भरकर प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर की आत्मा, हर दिन ऐसा कहकर मिलकर उसके साथ प्रार्थना कीजिए। एक तरफ तुम प्रार्थना करते रहोगे तो दूसरी तरफ वो फ्लैग ऊपर बढ़ाता रहेगा, ठंडा फहराता रहेगा। आमीन। इसी को जय बोलते हैं। प्रेरितों का काम 28वां अध्याय में प्रेरित पौलुस के हाथ को एक सांप पकड़ लेता है और सब कहते हैं कि वो मरने वाला है। उस गांव के लोग कहते हैं कि अब मरने वाला है, पर वो अपने हाथ को छिड़क कर, कोई भी ठेस या हानि उसे नहीं पहुंची। यही भविष्यवाणी है, समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, पर तुम पर जीत नहीं पाएंगी। प्रार्थना करें भरोसा के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के द्वारा, हे परमेश्वर की आत्मा, तू ही हमारी सुरक्षा है, तू ही हमारा सुरक्षा का ढाल है। इस मिनट से तेरे बच्चों के चारों ओर अग्नि भरा एक फाटक बना, शत्रु की सारी क्रियाओं को नाश कर और भाग जाए वापस। परमेश्वर की शांति नदी के रूप में बहने लगे। अब तक चलाने वाला परमेश्वर, अब और आने वाले दिनों में तेरे सामर्थ भरा हाथ उनके साथ रहे, उसे देखने पाए। कष्ट झेल कर बेरोजगारी में तेरे बच्चे कभी ठेस न पहुंचने पाए। जय लगातार पाते रहे, जय में जिए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर की आत्मा आज तेरे बच्चों को छुटकारा देकर, शैतान के हाथों से तेरे बच्चों को तूने छुड़ा दिया। इस तरह धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन। सचमुच शैतान को परमेश्वर ने भगा दिया है। यहोवा की आत्मा से आपको भरा है। अभिषेक को आप भटकाइए। बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। अकेले में लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना बंद मत कीजिए। दूसरों को भी ये संदेश आप भेजना ना भूलिए। परमेश्वर की इच्छा हो तो हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए
जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।